हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपके एजुकेशनल वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग वीडियो, टॉपर स्टॉक और अभी हमारा 2021 की तैयारी के लिए पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज हैं। आपके जो भी दोस्त यार मित्र हो उन्हें आप सजेस्ट करो, बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करवाओ। और अच्छा खासा सिलेक्शन इस बार बहुत बेहतरीन रहा है, अच्छा खासा मतलब 150 प्लस टॉपर्स भी हमारे यहाँ रहे। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इतना ज़्यादा गंभीर है क्योंकि आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 घंटे ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद इतनी सारी बातें निकल के आई हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मुझे एक फायदा हो जाएगा कि आप लोग जो इतना परेशान हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, वो आपके रुक जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने लोगों तक भी पहुँचा देना जो परेशान है, ठीक है। तो अभी काउंसलिंग चल रहा है, वीडियो है, देखिए ये रहा 41K का, काफी मेमोरीज है इस वीडियो के साथ हमारी, मेरी तो बहुत यादें हैं इस वीडियो के साथ। और ये एक साल पुराना एक यादें हैं और ये वीसी सर के साथ एक बड़ा, सभी लोगों को पता है सोशल साइंस एंड आर्ट्स जो काउंसलिंग है उसमें कितनी सीटें बची हैं, कितना सीट फुल हो चुका है और अभी पेड कब चालू होगा, एफिलेटेड में कब काउंसलिंग होगी, आपका वेटिंग शो कर रहा है तो अब होगा क्लियर कि नहीं होगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, ठीक है। तो वन बाय वन करके एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, लगभग 90% सीटें FMC मीन्स फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में फुल हो चुका है। आर्ट्स में लगभग 900 सीटें फुल हो चुकी हैं, 100 सीटों का अलॉटमेंट आज शाम तक चला जाएगा। ये वीडियो शूट हो रहा है अभी दोपहर में, आज ही ये चला जाएगा। आज की डेट है ओके सैटरडे है, आज ये शूट हो रहा है तो ये शाम तक आपका अलॉटमेंट चला जाएगा। और अभी इसी के अलॉटमेंट के साथ साथ आपके एफिलेटेड के भी आज अलॉटमेंट जाएंगे और आपके पेड की भी अलॉटमेंट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल में भी लगभग सेम कहानी है, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजेस हो सकता है। और इसके बाद हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो लोग अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन देकर उसे कैंसिल कराना पड़ेगा। और प्लीज़ अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो कैंसिल वाला प्रोसेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीट खाली कर दोगे तो नीचे वाले को सीट मिल जाएगी तो उनका भला हो जाएगा। और जिनका वेटिंग शो कर रहा है उनके लिए, तो जिनका वेटिंग शो कर रहा है लगभग उनको भी 5 दिन वेट करो, ठीक है। आज से 5 दिन तक लगभग हर किसी को वेट करना है क्योंकि अभी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो अपग्रेड होके आपके ऊपर को मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। ये कतई ना समझे कि सीट फुल हो चुकी है, अब अपग्रेड नहीं होगा या वेटिंग क्लियर नहीं होगा। अभी ये लगभग 5 से 10 दिन की कहानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ सीरियसली कि 5 दिन तो वेट करना ही करना है, क्योंकि अभी आपके कोर्स अलोकेशन में कोर्स आ भी सकते हैं, वेटिंग क्लियर भी हो सकता है और अपग्रेड के तो लगभग 90% चांसेज है। ये पूरी कहानी इस बार इसलिए बदली है, क्यों इस बार इतना लेट हो रहा है उसका रीज़न ये है क्योंकि काउंसलिंग जो था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हुआ है। ऑनलाइन होने की वजह से लगभग इस बार का जो इंटरनल न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% लोगों ने काउंसलिंग कराई है, मतलब आर्ट्स में जो 6000 लोगों को काउंसलिंग लगभग भेजा गया, 6000 लोगों को लगभग भेजा गया है अलग अलग कैटेगरी। खैर उस एल्गोरिथम को समझना मुश्किल है, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, तो उसको छोड़ ही देते हैं। बेसिकली जो सिंपल सा कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस यही है, आपको करना क्या है, इंतजार करना है, वेट करना है, पैनिक नहीं होना है, अभी बहुत कहानी बदल सकती है। हाँ, लेकिन जिनके मार्क्स बहुत कम है, अब 100 के नीचे जिनका है, वो FMC की कहानी तो भाई भूल ही जाना, जाहिर सी बात है अभी सोशल में 205 तक की वेटिंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से आज थर्ड पोर्टल मतलब आज थर्ड शिफ्ट में जाना है, पेमेंट ओपन होना है आर्ट्स में, वही सोशल में भी लगभग आज चांसेस हैं कि फिर से आज कुछ लोगों को कोर्स अलोकेशन या अपडेट में जाएगा। एक और लास्ट में बात बोलूँगा, जिनको फर्स्ट प्रिफ्रेंस मिला है या जिनको प्रिफ्रेंस मिला है और वो उस प्रिफ्रेंस से सेटिस्फाई हैं, वो प्लीज़ कुछ भी करके कॉल लेटर के दिए गए नंबर पे कॉल करके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ईमेल बताया गया है कि इस ईमेल पे मैसेज करके लॉक कराना है, वो लोग 100% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ईमेल करके उसको लॉक करवा ले एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो भी चेंज हो सकता है। एक कतई ना समझे कि पहला प्रिफ्रेंस मिल गया है तो ऑटो लॉक हो जाएगा, क्योंकि इस बार चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। और एक लास्ट में बात बोलूँगा, वैसे तो मैं बोला था कि शायद मैं काउंसलिंग पे दोबारा वीडियो नहीं लाऊंगा, लेकिन एक वीडियो मैं अभी और लाऊंगा लास्ट में, जिस दिन मैं ये फाइनल बता दूंगा कि अब आप लोगों को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब तक वो वीडियो नहीं आता है तब तक आप इंतज़ार करो, नो कॉल, नो MSG, प्लीज़ ओनली यू शुड वेट फॉर योर काउंसलिंग पोर्टल वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। और प्लीज़ नए सेशन के लिए, नए कोर्स के लिए लोगों को सजेस्ट करो
और बीएचयू पाठशाला की बहुत अच्छी फैकल्टी तैयार हो गई। कम से कम बस बी आर सोशल साइंसेज में 8 से ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हर एक वीडियोज के साथ साथ उसकी पीडीएफ जारी है। अब हम लोग और ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन हो चुका है। स्मार्ट क्लासेज हो चुकी हैं तो आई थिंक आपको एक बार बीएचयू पाठशाला के लिए जरूर लोगों को सजेस्ट करना चाहिए। बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हो चुका है, हम लोग चीज़ों को बहुत इंप्रूव कर चुके हैं और जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आप वर्क देख रहे हो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल ही रहा होगा। तो आप सभी लोग से मैं ये विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर आपको सच में बीएचयू पाठशाला से बहुत हेल्प मिलती है और इनका हार्डवर्क, टीम का हार्डवर्क समझ में आता है, बीएचयू पाठशाला के मेंबर्स के हार्डवर्किंग समझ में आती है, तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्त, अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करो कि वो बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करें और उन्हें बेस्ट प्लेटफॉर्म हम देंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल देंगे और बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरा वादा है आप सभी लोग से। तो आप लोग प्लीज़ मुस्कुराते रहिए, परेशान मत होइए और सभी लोगों को हर हर महादेव, जय कृष्ण, राधे राधे। और प्लीज़ बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक सजेस्ट करें। आज बहुत परेशान हो गए इस वीडियो को मैंने बनाया है, मैं कम से कम 3 से 4-5 लोगों से मेरी बात गई और मैं इसी के साथ साथ बीएचयू के खासकर विनायक सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं विनायक सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर को समझाया। और मैं अभिषेक भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा जो कि आर्टिकल न्यू लैंग्वेज लैब में कार्यरत हैं। और मैं सचिन सर और राहुल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ और प्लीज़ जो डाउट्स है कॉमेंट्स करना, मैं आपको फर्दर रिप्लाई कर दूँगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट टू लाइक दिस, बाय बाय।